अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, अजंता उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल सर से बात करने वाले मुनीर सर से। तो बने रहे दोस्तों, पूरी पूरी जानकारी आपको हम देंगे। स्कूल में जो प्रोग्राम था उसका लास्ट पार्ट अपलोड कर रहे हैं आपके लिए हम। हजारों मुश्किलें हैं मगर मुस्कुरा के जीता हूँ, मैं अपने जख्म को खुद आजमा के जीता हूँ। मेरी कमाई में शामिल मेरा पसीना है, मेरी कमाई में शामिल मेरा पसीना है, हराम रिस्क से दामन बचा के जीता हूँ। सुपरवाइजर साहब, तमाम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और अजीज तलबा व तालिबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले अब मेन लाइन पे आए। लगातार दो दिनों से आप क्विज में मुलविस हैं। आपका जुनून देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जिस वक्त इसके जिम्मेदार क्विज कॉम्पिटिशन का ऐलान किए, उस वक्त से जो ग्रुप बने बच्चों के, वो एक दूसरे को बेचैन कर रहे थे, फोन कर रहे थे, बेचैन कर रहे थे कि ये पढ़े क्या, वो पढ़े क्या, वो सबक याद किए क्या, ये सबक याद किए क्या। मुझे खुशी है इस बात की, चलो इस बहाने से आप अपने दिए हुए असबाब में महारत तो हासिल कर लिए, उस मोड़ पे तो आए जो रास्ता आपको रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है, रोशनी की तरफ ले जाता है। यही मेरी ख्वाहिश है। सदर साहब ने, कमाल फारूकी साहब ने मुझसे कहा, मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि स्कूल से जो यहाँ के बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, उन्हीं की ख्वाहिशात को मैं मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां तक हो सके मेरे से। अब सुबह में सर ने बताया कि मुस्तफा बहुत घूम रहा है। अमेरिका यहाँ क्विज कॉम्पिटिशन से घर पे गया था, तो मुस्तफा के जैसे बच्चे जो और भी बच्चे हैं उसकी मैंने कोशिश देखा, साइकिल लिया, बेटों ने एक बच्चे के घर पे गया, वो घटने वाला था किसी और बच्चे को लिया, वो बच्चे घर पे गया, फिर वो बच्चा घर पे नहीं मिला, किसी ने बताया कि पुलिस ग्राउंड पे है, वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे, वहां तक गया भाई और जाकर उनको बोला कि पढ़ो कल कॉम्पिटिशन है। ये जुनून आपको आगे जाता है, जब तक आपको जिंद नहीं है आगे बढ़ने की, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हार कर भी सामना करना पड़ता है, कैसे कभी कैसे भी हालात आते हैं, तो उन हालात को फेस कैसा करना चाहिए, कवर किया जाता है। ये खेल के मैदान, तालीमी मैदान, यहाँ पे आपके इज्जत, खुशी में, गम में, हार में, जीत में कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने आप संभालना चाहिए, कैसा आपका बर्ताव रहना चाहिए, उस वक्त संभालते भी संभालते भूल जाए। और मुझे इतनी खुशी हुई आपके जब जवाब दे रहे थे, कुछ बच्चों के मुंह से बेसाख्ता जवाब निकल रहे थे। बहुत अच्छा। अब मेरी ख्वाहिश है आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मोबाइल से फिर बोल रहा हूं मैं, आप दूर रहिए। आपको ये दो तीन दिन की जो सरगर्मी है आपकी क्विज की, इससे आपके भले में भी तब्दीली आ रही है, आपके जहन में तब्दीली आ रही है, हम सब ने देख चुके हैं। और ये क्लियर हुआ, शनाख्त हुई, उनका कॉन्फिडेंस भी अलग नजर आ रहा था कि नहीं आ रहा, आपका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है,
बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्लासेस में बैठे, कल सर ने बच्चा भेजा मेरे पास, सर बच्चों को बैठने जगह नहीं है, मतलब आपके अंदर शौक है, उस शौक को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना जरूरी है। क्या करना है बेटे? मेहनत करना जरूरी है। करेंगे हाथ, हाथ उठाइए, बोले मेहनत करें, कितने बच्चे मेहनत करेंगे? वाह वाह। और जो रेगुलर क्लासेस है, रखिए हाथ पीछे कीजिए, रेगुलर जो क्लासेस है उसमें आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। अगर जिस तरीके से क्विज के दौरान आसिफ साहब को और टीचरों को बच्चों ने परेशान किए, उसी तरीके से टीचरों को परेशान करना चाहिए। आप जब पूछते हैं ना अपने अपने मुतालिका टीचर से, तो टीचर बहुत खुश होते हैं, कभी आपको झटकाएगा नहीं टीचर, उनको अच्छा लगता है बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको बहुत अच्छा लगता कि बच्चे पढ़ने वाले हैं। और चलते चलते एक बात बता दूं, टीचर ने ही अपने खर्च से आपके क्लासेस को सजा दिए, उनके नाम पे जोरदार तालियां बजाइए। तो बहुत अच्छी करें क्लासेस, किसके लिए करें बताएं, किसके लिए करें? आपके लिए। अब जो बोर्ड लगाने का मकसद है, बोर्ड लगाने का क्या मकसद है, आपके चार्ट लगाने का मकसद क्या है, ताकि आप चलते फिरते उसको नजर डालें और उसे बहुत पढ़ें और अपनी जिंदगी में याद रखें, रखेंगे इंशाअल्लाह। अब उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे ओलंपिक मेडल जिसे मिले, हमारे जंग आजाद में जिन रहनुमाओं ने हिस्सा लिया उनके बोर्ड लगाए हैं, और जिनको प्रमुख चक्र दिए गए हैं जंगों के अंदर उनके बोर्ड लगाए हैं, और इस मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न अवार्ड उनके भी नाम लगाए हैं। तो चलते फिरते हुए उनके नाम ऐसे स्मर कीजिए, नींद में से अगर आपको उठा लेते हैं तो इंशाल्लाह आप उनके नाम बोलेंगे, बोलेंगे इंशाल्लाह, बोलेंगे ना बोले, ठीक है। बहुत खुशी हुई जैसा इनका करके अच्छे तरीके से इस जलसे में तमाम टीचर्स, इसके जिम्मेदार मुख्तार सर, जाकिर सर, नदीम सर, प्राइमरी संभाले ऊपर आसिफ सर, एन सर, वकील सर, उसामा सर और तमाम टीचर्स इसमें हिस्सा लिए, किसी एक से एक काम मुकम्मल नहीं होता है, मैं सभी का बहुत अच्छे से किए उनका शुक्र अदा करता हूँ मैं। इस तरीके से अन्य प्रोग्राम में भी बच्चों को अच्छे से तैयार करने की उम्मीद रखता हूँ, और कल का जो टाइम है स्कूल का 10:30 बजे से ही रहेगा, और आगे जो बच्चे जहाँ से निकलेंगे स्कूल छूटने वाला है, तो 8 बजे तक के बच्चे खाना खा के जाएंगे खिचड़ी, और बाकी के घर भी जा सकते। तो दोस्तों उर्दू हाई स्कूल के हमने पूरे पार्ट अपलोड करे, मुनीर सर प्रिंसिपल सर से भी बात की, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए, बच्चों का हौसला अफजाई करना चाहिए, अपने आप के लिए हमने वीडियो बनाए, अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें।